नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल आयुर्वेदा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि भाई होम रेमेडीज जो पेट दर्द के लिए हम कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल हो सकती है, जब भी हमें इमरजेंसी में हमारे पेट दर्द हो रहा हो तब वो चीज़ें हमें काम में आनी चाहिए, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम जल्दी से जल्दी उसका क्विक यूज़ कर सकते हैं हमारे पेट दर्द में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, चीज़ें बहुत सिंपल से है जो कि आप आसानी से यूज़ कर सकेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद कहता है कि अगर पेट में दर्द है तो उसके दो या तीन रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे कि जो आयुर्वेद का पूरा बेस है वो हमारे त्रिदोष होते हैं उस पे डिपेंड है। त्रिदोष मतलब जो कि जैसे कि हमारा वात हो गया, पित्त हो गया, कफ, इन तीनों दोषों के बढ़ जाने से या इन तीनों दोषों में कोई असामान्यता आने से जो है हमें पेट दर्द की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। अगर उसको कंट्रोल में नहीं करते तो जो है आपके पेट दर्द की समस्या बनी रहती है। अगर पेट दर्द की समस्या की बात हो ही रही है तो उसके पीछे के जो कारण है वो कारण कौन कौन से है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों को आदत होती है कि बहुत ज़्यादा वो खा लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जीने के लिए खाओ, लेकिन बहुत से लोग जो है वो खाने के लिए जीते। ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत बात है। अगर आप अपने पेट के ऊपर इतने ज़्यादा लोड दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको पेट दर्द की समस्या का सामना करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई खाना जो है कभी भी आप जो खाते हो तो उसके तुरंत बाद आप जो है पानी पीते हो, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन होता है, गैस की समस्या होती है। और बात करेंगे कि भाई अपच होती है, जैसे खट्टी डकारे आना या पित्त बढ़ जाना, तो इनके वजह से भी है जो है आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ थी जिसके कारण जो है आपके पेट में दर्द होने के रीज़न है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है कि जिसके कारण जो है आपके पेट का दर्द जो है वो ठीक किया जा सकता है। ये थोड़ी सी हाई लेवल की टेक्निक है जिसके पंचकर्म यूज़ की जाती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ है? अगर आपके पेट दर्द का समाधान इन घरेलू नुस्खों से नहीं होता है तब जाके जो है आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई फॉर्मेशन एक चीज़ है जो कि पंचकर्म में की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई वुमन हो गया, जिसको हम अच्छी खासी जड़ी बूटियाँ जो है देकर जो है इंसान को वुमन किया जाता है, और लास्ट में होता है विरेचन। तो ये सब इनके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई ये जो कुछ पद्धतियाँ हैं इसके लिए कौन कौन सी जो चीज़ें यूज़ की जाती है, तो इसके लिए भाई जो है तिल यूज़ किए जाते हैं, मदाना यूज़ की जाती है, अग्निप्रभा जो रस होता है वो यूज़ की जाती है, ये सभी औषधियाँ हैं। बाद में बात करेंगे कि मंडोरा लोह जो होता है वो यूज़ किया जाता है, एक शारवटी होती है वो भी यूज़ की जाती है, और एक बात करेंगे कि अग्निमुखा रस कहते हैं वो भी होती है, या गगन सूर्यादि रस ये भी एक यूज़ की जाती है। तो ऐसी कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि इसमें यूज़ की जाती है ताकि आपका जो पेट का दर्द है वो हमेशा के लिए चला जाए। अब बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक की कि भाई घरेलू नुस्खे हम कौन से आजमा सकते हैं जिससे जो है हमारे पेट का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई मेथी दाना, आपको इस मेथी दाना कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो है मेथी दाना जो है अपना तवा होता है उस पर थोड़ा सा सेक लीजिए, उसको थोड़ा सा ही सेकना है। साथ ही साथ आपको इसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी भी चाहिए, पानी भी थोड़ा सा हल्का गुनगुना ही होना चाहिए। इन दोनों को आपस में मिलाकर अगर आप पी लेते हो तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके पेट दर्द की जो समस्या है इसमें बहुत अच्छा लाभ करेगा। आप लोगों को एक बात की नोटिस मैं देना चाहूँगा कि भाई जो मेथी दाना होता है उसका नेचर जो होता है वो हॉट पोटेंसी का होता है, तो गर्म पानी जो है वो थोड़ा गुनगुना रखें, और ये मेथी दाना होता है इसको भी ज़्यादा भूनने से बचे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई अनार जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। एक अनार 100 बीमार की जो कहावत है वो कहीं ना कहीं सही होती है। अगर आपको पेट की दर्द से समस्या से आराम चाहिए तो आप ऐसे में जो है अनार के जो दाने होते हैं उसका सेवन जो है काला नमक मिलाकर अगर करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके पेट दर्द की समस्या में आपको लाभ दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अदरक तो चाय आप जानते हो, अदरक जो है कद्दूकस करके अपने चाय में मिला लो, और उस चाय को अगर आप पीते हो बस इस बात का ध्यान रखो कि उस चाय में जो है आपको थोड़ा सा दूध जो है ऐड नहीं करना है, जो काली चाय बनती है वही पीनी है। तो ये भी चाय भी जो है ये कहीं ना कहीं आपके जो पेट दर्द की समस्या है उससे आपको निजात दिलाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई नींबू का रस भी बहुत बेनिफिशियल होता है जो हमारा स्टमक पेन होता है उसके लिए। तो आप जो है कोशिश करेंगे कि नींबू का रस और साथ में थोड़ा सा काला नमक, इन दोनों का जो है सेवन करके जो है अपने पेट दर्द से आराम पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई एलोवेरा जूस, कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या
कोई भी पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो है एलोवेरा जूस बहुत बेनिफिशियल है। आधा कप एलोवेरा जूस जो है आपके पेट में होने वाली जलन से लेके आपके पेट दर्द की सब समस्या के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आधा कप जो है आपको एलोवेरा जूस जो है लेना चाहिए, ये भी आपके पेट दर्द में राहत देगी। अगर इन सब के कारण भी आपको अगर राहत नहीं मिल रही है तो एक आयुर्वेदिक टैबलेट बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये मेरी तरफ से आपको एक बोनस टिप है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है, तो इस आयुर्वेदिक औषधि का नाम है चित्रकादिवटी। बहुत सी औषधियाँ इसमें डली हुई है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसको भी है गुनगुना पानी से ले लीजिए या ठंडे पानी से भी आप इसको ले सकते हैं। ये भी जो है आपके पेट दर्द की जो समस्या है उसमें आपकी अच्छी खासी हेल्प करेगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।